ओम शांति। आज का ओम शांति। इस मुरली मंथन कार्यक्रम में संडे का अव्यक्त वाणी के ऊपर में आज हम लोग मुरली मंथन करेंगे। बहुत ही सुंदर बाबा का महावाक्य, बहुत ही विशेष महावाक्य, बहुत ही गहराई का महावाक्य। तो आज स्नेह के ऊपर सारा मुरली है बाबा का, तो इसके ऊपर में अभी विचार सागर मंथन करेंगे। अतीश भाई जी बाबा का मुरली का पॉइंट बताएंगे। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा का अव्यक्त महावाक्य। बाबा बोले हैं, ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन है जी। कोई कितना भी स्वयं को किनारा कर ले, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। दूसरे बाबा बोले हैं, ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है जी। यह सहयोगी बनाने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और सर्व को सहज योगी बना देते हैं। और बाबा बोले हैं, आप सभी मास्टर सहज योग उनके अनेकों ज्ञान के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे किया कार्य कर रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार का स्नेह का बीज बो रहे हो ना, बाबा पूछे हैं। संपन्न, और बाबा बोले हैं, संपन्न परिमाण से भी प्रत्यक्षा से भी सफलता की प्रमाण सबसे बड़ा है। सेवा भाव से हाँ बड़ा है सहज है। बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण को बाबा कहते हैं, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। और बाबा बोले हैं, औरों को चांस देना भी यह भी वरदान देना है, महादान है। बाबा कहते हैं ये भी वरदान देना है, इसलिए सब चांस बाबा कहते देते रहो तुम जी। बाबा बोले हैं, जैसा समय वैसा पार्ट में सब शिकलीधे बच्चे समर्थ है, सदा रहेंगे। हाँ, ये बाबा बोले, हर बच्चा सदा तैयार है, जहाँ समय जैसा समय उस अनुसार सब एडजस्ट होकर के चलना। ये प्यारे बाबा कह रहे, बच्चों का बहुत सुंदर गुण है। और बाबा बोले हैं, इस दुनिया में बहुत सारे बंधन हैं, यहाँ समय का सीमा है, लेकिन वतन में आ जाओ, यहाँ कोई सीमा नहीं है। बाबा से मिलन मनाने जितना लंबे समय मनाना चाहो मना सकते, बाबा अनुभूति कराते रहेंगे। लेकिन यहाँ एक एक बच्चों से मिलने के समय दिया जाता था मधुबन में, उसमें बहुत तरह का सीमा था। सब बच्चों को सब कुछ देखना पड़ता है, यहाँ पानी को देखना पड़ता है, खाना देखना पड़ेगा, रहने के लिए देखना पड़ता है। इसलिए बाबा बोले कि वतन में आ जाओ बाप दादा, हमेशा मिलन मनाते रहेंगे, अनुभव कराते रहेंगे। तो वतन में अनुभवी बनने के लिए हमें उस अवस्था को अभी से बनाना होगा। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट भाई जी? बाबा बोले हैं, वरदान में नॉलेज फुल की विशेषता द्वारा संकल्प के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव का वरदान दिए। साक्षी भव का वरदान। संस्कार तो अंत तक किसी के दास दासी का ही रहेंगे, जो भी का संस्कार है। बाबा बोले हैं कि राजा का और दास दासी का, जो संस्कार पुराना है अभी वो अंत तक रह जाएगा तो वो दास दासी बनेंगे। बोले वही संस्कार होता है किसी के जी। इसीलिए बाबा बोले हैं, किसी को सपना जैसे पारिवारिक लौकिक परिवार में भी किसी का संस्कार देखते हो तो उसके बदलने का इंतजार नहीं करो, स्वयं बदल जाना है, अपने अंदर ही उसे अपने सुधार कर लेना है। ये बहुत अच्छा है, एक वरदान खास करके बाबा मेरे लिए दिए हैं। सभी के साथ में भाई जी, सभी के पास में इस प्रकार के सिचुएशन आता ही है, ये बाबा बोलते हैं। बहुत सुंदर स्लोगन बाबा। स्लोगन में बाबा बोले हैं, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो।
अथवा मेहनत करने के बजाय बाबा कहते हैं रमणीकता से पुरुषार्थ करो, रमणीकता से पुरुषार्थ करो, आनंद प्रेम और खुशी से बाबा कहते हैं मेहनत पुरुषार्थ करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आज का इतना सुंदर महावाक्य प्यारे बाबा का, संडे का महावाक्य, इसको हम सभी बहुत सुंदर मनन चिंतन करेंगे और ऐसे विशेष बच्चों को ही बाप दादा याद प्यार और नमस्ते किए हैं, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका।